जय हिंद एवरीवन। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वाराणसी के कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर का है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए लोग किस तरह एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं और इन्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि इस समय जो है कोरोना वायरस का संक्रमण है, और उन्हें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। और उससे ज़्यादा मुझे इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ आखिर क्यों नहीं कोई समझ पा रहा है कि उनका कर्तव्य क्या है, उनकी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बल्कि यहाँ मास्क भी लगाए गए हैं निशान, जहाँ पे लोगों को डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस बात का ख्याल नहीं है। ना जाने लोग किस दुनिया में हैं और किस खतरनाक बीमारी को वो निमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं वो इस तरह की बीमारी के चपेट में ला सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं। आज जहां हमारे देश भारत में लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं, और विश्व में हमारे देश भारत इस मामले में चौथे नंबर पे आ चुका है, लेकिन फिर भी आज जनता इसको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार ने तो लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन उसने हमें पहले से और ज़्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह देते हुए नियमों का पालन करने को कहा है, लेकिन सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। परंतु आज वाराणसी में मैं जब गया अपना रिजर्वेशन टिकट कैंसिल करवाने, जो कि जून मंथ का था, तो मैंने देखा वहाँ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और ये देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ किस तरीके से लोग लॉकडाउन में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आखिर कब हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और जो है हमें कब इस चीज़ का एहसास होगा। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे लोग आपस में मसरूफ हैं, और इस तरीके से हम कैसे कोरोना से जंग जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, ज़रा सोचिए। ऐसे में हमें कैसे कोरोना से जंग जीतने को मिलेगी जब हमारे अपने ही खिलाड़ी मैच फिक्सिंग कर चुके हों। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मेरी आप सभी लोगों से विनम्र विनती है कि अगर किसी काम से बाहर निकलें, जो कि ज़रूरी भी है, पर नियमों को ध्यान में रखें और अपने परिवार की सुरक्षा को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आप इन्फेक्टेड हुए तो इन्फेक्शन की आग आपके परिवार के साथ साथ पूरे देश को जला देगी और हम सिर्फ अफसोस करते ही रह जाएंगे। और ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिखाएं कि किस तरह से वाराणसी में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है और किस तरह लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ ना तो कोई समझाने वाला मौजूद है इन्हें, और ना ही ये खुद समझने वाले हैं। ऐसे में क्या होगा हमारे देश का और किस तरह का संकट गहराने वाला है आने वाले समय में, आप इसे ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कोरोना दिन ब दिन अपना पांव पसार रहा है। और हम हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का ज़रा सा भी एहसास नहीं है, और कहीं ना कहीं हम सभी को ज़िम्मेदार होना होगा। और एक ज़िम्मेदार होने के नाते आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये सभी लोगों के नॉलेज में आए और यहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम हो, लोगों को ध्यान दिया जाए कि लोग प्रॉपर
लाइन में रहें और डिस्टेंस को मेंटेन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।